ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। सुनल जी, सवाल मेरा आपसे, आपने सुना अब आपसे कुछ देर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक डॉक्टर बशीर अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर थे, उन्होंने भी, उनका ये कहना है कि कुछ मामले क्योंकि गलत इस्तेमाल होता है कानून का, इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर फारूक अब्दुल्ला ने बात कही थी, उसके बावजूद अगर कुछ मामला ऐसे निकल के आते भी है जो कि बहुत छोटा एक रेशियो होगा जहां पर गलत रिपोर्टिंग की जाती है या गलत एग्जाम लगाए जाते हैं, तो भी क्या फारूक अब्दुल्ला का ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड लगता है आपको? नहीं, जस्टिफाइड नहीं है, ये तो बिल्कुल इनजस्टिस है कि अगर एकाधा कोई केस ऐसा हो भी जाए, और मिसयूज तो कायदे का हर जगह होता है, महिलाएं करती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, अगर पुरुष भी पीए होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं तो वो भी तो कोई गलत काम करते हैं, वो भी करप्शन कर सकते हैं, इनएफिशिएंसी दिखा सकते हैं, तो उसमें तो कोई नहीं बोलता है कि हम किसी को एम्प्लॉय ही नहीं करेंगे, तो ये तो बिल्कुल बशीर साहब हमारे साथ, आप जवाब देंगे बशीर साहब इस बात का, आप जवाब देंगे सुमन जी के इस बात का? सुमन जी सही कह रही हैं कि देखिए डॉक्टर फारूक साहब ने चेक एंड बैलेंस की बात की, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बिल्कुल कभी ये इंटेंशन नहीं रहा, बल्कि पूरी जिंदगी उन्होंने महिलाओं को काफी इज्जत की निगाह दी है और इज्जत की निगाह से आज के स्टेटमेंट की बात सम्मान भी दिया है। हमसे बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं बहुत करीब से जानता हूँ, इस मामले में उनका इंटेंशन कभी ऐसा नहीं है जैसा कि पेश किया जा रहा है, अलबत्ता उन्होंने चेक एंड बैलेंस की बात कि आप लगता है कि अगर आप सेक्रेटरी भी रखें तो आप देख के रखें, उन्होंने टोटल इन टोटैलिटी इनकार नहीं किया, लेकिन ये गलत चेक एंड बैलेंस है ना कि आप सेक्रेटरी रखे, तो हमने कभी बोला है कि सेक्रेटरी रखो तो चेक करना लड़के सेक्रेटरी, इस सर हमने तो कभी नहीं बोला, तो ये चेक एंड बैलेंस गलत है, इसलिए मैं हमारा यही कहना है सर कि ऐसे फारूक अब्दुल्ला जी जिन्होंने इतना अच्छा अच्छा जो आपने बोला है लेडीजों के लिए बहनों के लिए किया है, उनको आज क्या हो गया, क्योंकि आप जो स्टेटमेंट देखोगे मुझे तो फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था, और आखिरी में अगर आपने ये भी सुना हो तो बोला सब मर्दों को जेल में रख दो, चलो ये बोलने की क्या जरूरत थी कि सब मर्दों को जेल में रख दो, देयर इज नो पॉइंट टू दैट, सो समथिंग वाज प्लेइंग इन हिज माइंड, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है जो आप और मुझे नहीं पता, बट जो बोल रहे हैं उससे कुछ आइडिया ऐसा आ रहा है कि समथिंग इज समवेयर रॉन्ग, और इसीलिए आज ये हम डिबेट कर रहे हैं ताकि हमें आपके माध्यम के थ्रू पता चले कि उनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बशीर साहब बताइए। मैम मुझे लगता है कि इसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो इसलिए नेचुरल रिएक्शन आना तो लाजमी बात है, तो उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं उनको, उन्होंने बात की होगी कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि जहां चेक एंड बैलेंस की बात होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इसको इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करने की जरूरत है। अच्छा आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि वो महिलाएं जो आज हिम्मत बटोर कर ऐसे शोषण ऐसे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाती है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होती हैं इस तरह के स्टेटमेंट से? मुझे नहीं लगता है, बल्कि हम बिल्कुल उनके साथ हैं, ऐसी महिलाओं के साथ हैं, और डॉक्टर फारूक साहब ने हर हमेशा आवाज उठाई है, बल्कि एनकरेज किया है। अगर उन्होंने इसी स्टेटमेंट को ऐसे कहा होता कि हमें कोई पुरुष बॉस नहीं रखना तब शायद बात ज्यादा समझ में आती। मुझे लगता है कि फिर मैं यही कहूंगा कि इसका आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो किया जा रहा है और गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फारूक अब्दुल्ला साहब का, ऐसा कोई इंटेंशन है डायरेक्टली इसके इस चीज का, बल्कि मैं पूरी जिंदगी जानता हूँ उनको, उन्होंने हर हमेशा महिलाओं के प्रति प्यार दिखाया है, इज्जत दी है, सम्मान दिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका, रुझान आपका, सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में।